हम लोग द्विघात बहुपद का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। अगला चैप्टर चलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो द्विघात समीकरण का अधिकतम बहुपद की संख्या 2 होता है। ठीक है, त्रिघात में 3 होगा, कितना होगा त्रिघात में 3 होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स पर 5 पावर माइनस 4y पर 3 पावर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात होगा। जब भी घात पूछेगा तो गुना कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये तो गुना हो जाएगा अंक रहेगा तो, और पावर को जोड़ देंगे 5 है तो कितना हो जाएगा 7। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7 पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है, शून्य होगा तो कैसे निकालेंगे हम सवाल लिखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 तो कह रहा है कि गुना करने पर हमको चाहिए 3 और जोड़ कराने पर 2, तो क्या करेंगे x में से हम 3 घटाएंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 3 पुर जाएगा और घटाएंगे तो 2 पुर जाएगा, तो इसका उल्टा क्या जाएगा आंसर प्लस 3 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 1, मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आगे देखिएगा बहुपद वाई स्क्वायर 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल होगा, तो योगफल क्या होता है फॉर्मूला माइनस बीवाई क्या होता है माइनस बीवाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी कितना है मेरा माइनस 14, अब पहले से भी 14 है सॉरी माइनस 1 है और बट्टा में 5 है, तो प्लस कितना हो जाएगा 14/5, आंसर कितना हो जाएगा प्लस 14/5 आंसर हो जाएगा मेरा ये। आगे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक होंगे, यहाँ भी वही बात है, देख लिया यहाँ पर क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ क्या करना है गुना करने पर 2 लाना है और जोड़ने पर 3, तो एक बार एक शून्यखंड होगा एक बार 2x हो जाएगा, ये प्लस में है अगर ये जब माइनस में होगा आंसर क्या माइनस 1 और माइनस 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 आंसर ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के शून्यक है, तो क्या होगा शून्यक, तो यहाँ भी उसका हल कर लेते हैं। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 गुना करने पर 12 और जो घटाने पर 4, तो 2 में से घटाएंगे 6, तो गुना करेंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, आ दीजिए चिन्ह बदल जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा 6 में, मतलब क्या आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यदि ए और सॉरी यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूलक हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जब पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो फॉर्मूला होता है सी माइनस बी बाई सी, क्या होता है माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी कितना है मेरा 1 और सी मेरा कितना है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, तो मतलब आंसर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलकों का योगफल होगा, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में देख लीजिए योगफलों का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी वाई है माइनस बी वाई, ये तो माइनस बी कितना है मेरा माइनस 4 है बट्टा में कितना है 1 है, तो प्लस 4 एक का मान 1 है इसलिए कितना आंसर हो जाएगा प्लस में चार आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा द्विघात बहुपद में कौन सा द्विघात बहुपद के जिनके शून्यक 0 और 5 हो, तो देखिए शून्यक 0 और 5 हो तो क्या कर रहा है 0 और 5 का मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा बराबर 0 ठीक है और बीटा बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 बराबर 5, देखिए इधर इधर नहीं चल रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 तो कितना 5, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 गुने 5 था 0, फॉर्मूला होता है पी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये कितना है मेरा ये 5, तो 5x और ये कितना हो जाएगा 0 अर्थात कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x आंसर हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन कौन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बहुपद 3x² माइनस 8x 10 का घात हो, तो घात कितना जो बड़ा वाला होगा वही घात होगा, कितना होगा जो बड़ा वाला होगा, तो 2 घात है आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यकों के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, ए बराबर क्या होगा, देखिए जब शून्य के बराबर तो शून्य के बराबर क्या होगा शून्य होगा, विपरीत मान लीजिए एक होता तो एक लेते,
पर यहाँ तो शून्य के बराबर कितना होगा, माइनस का शून्य होगा, इसलिए क्या आंसर शून्य हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या आंसर शून्य। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।